2021-22 सेशन से सीबीएसई ने अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज किया है और दो टर्म्स में इस बार एग्ज़ाम होंगे। तो सिलेबस में क्या चेंज आया है वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग है। हम आईटी का सिलेबस जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास आईटी के रिगार्डिंग जो है कुछ सिलेबस में चेंजेस आए हैं, जैसे जो दो टर्म्स में डिवाइड किया है तो उसमें जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली बुक है उसमें से जो आपकी यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स, ये आपके टर्म 1 में आएंगे जो आपके नवंबर के अराउंड होगा और इसमें से टोटल आपका 5 मार्क्स का आएगा। इसी तरीके से टर्म 2 के अंदर आपके जो है यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स और यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स, ये आपके टर्म 2 में आएंगे जो आपके मार्च के अराउंड होंगे। तो इसमें से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल आपका 10 मार्क्स का आएगा लेकिन 5 5 मार्क्स का दोनों टर्म्स में आएगा। इसी तरीके से जो आपकी मेन सब्जेक्ट बुक है उसमें से टर्म 1 के अंदर आपके जो है यूनिट 1 आएगी बेसिक नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर और यूनिट 2 आपकी बेसिक वेब डेवलपमेंट और HTML एंड CSS, ये वाली यूनिट जो है आपकी टर्म 1 में आएगी जिसमें से टोटल आपका 10 और 15 25 मार्क्स का आएगा। इसी तरीके से आपकी जो टर्म 2 होगा, टर्म 2 के अंदर आपके यूनिट 3 आएगी मल्टीमीडिया डिज़ाइन GIMP टूल के बारे में दिया हुआ है जिसके अंदर, और यूनिट 4 आपकी जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में है। तो ये दोनों यूनिट आपकी टर्म 2 में आएंगी जो आपके मार्च में एग्ज़ाम होंगे, तो ये भी आपका 25 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि टर्म 1 में जो एग्ज़ाम होंगे वो दोनों एग्ज़ाम आपके जो है टर्म 1 वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 के अंदर जो नवंबर में होगा, और टर्म 2 के जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल फाइल है उस पर भी आपके जो है कुछ मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे अराउंड 40 के अराउंड। जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके प्रैक्टिकल वर्क के बेसिस पर, प्रैक्टिकल फाइल के बेसिस पर और आपके वाइवा के बेसिस पर आपको 30 में से आपकी वेटेज मिलेगी, तो 15 टर्म 1 में 15 टर्म 2 में इस तरीके से आपको मिलेगा। और इसी तरीके से आपका जो कोई आपने कोई प्रोजेक्ट फाइल या पोर्टफोलियो फाइल बनाई है तो वो आपको 10 मार्क्स का वहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें से अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसको वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें एक वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि प्रैक्टिकल के क्या क्या टॉपिक्स या क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अपने ट्रेनर से भी जो है कंसल्ट कर सकते हैं कि 11th क्लास के लिए आप क्या क्या जो है क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये एक सैंपल आपके क्वेश्चंस हैं इसमें जिसे आप फाइल बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको उसमें कुछ और कहीं डाउट है क्वेश्चंस वगैरह में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक CBSE ने सैंपल पेपर भी जो है बनाया है जिसमें बताया है कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा। इसमें आपका 90 मिनट्स का ये पेपर होगा टोटल आपका, जो टर्म 1 का होने वाला है जो आपके 30 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें पहले जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें से फर्स्ट 3 यूनिट्स आएंगी जिसमें से आपके टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से मेन जो सब्जेक्ट बुक है उसमें से आपकी पहली 2 यूनिट्स आएंगी यूनिट 1 और यूनिट 2 जिसमें से आपके टोटल 32 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें से 25 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके टोटल जो है पेपर इस तरीके से आने वाला है। सैंपल पेपर में क्वेश्चंस किस तरह रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग से। एंड इसके अलावा कोई आपको सिलेबस में कहीं कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।